सेक्शन लेने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और करीब 10 सेक्शन को मिला के एक बड़ा सेक्शन है। सीआरपीसी में से कोई क्वेश्चन आएगा तो 100% वन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, आएगा जरूर। एक क्वेश्चन तो आपका इसी सेक्शन पे हमेशा ही आएगा और मेंस में आप भी आए। कारण क्या है, इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट का मतलब है विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द कोर्ट, इन द प्रोसीजर, इन द इन्वेस्टिगेशन, इन द इंक्वायरी, दैट इज इम्पोर्टेंट, रोज आता है काम, ठीक है ना। मान लो कुछ लोग मिलकर डकैती डालते हैं, रात में कुछ ही लोग जब वो डकैती डालने गए तो उनमें से 7-8 लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग ये देख रहे हैं कि किसी को पता न चल जाए, किसी को कुछ हो जाए, और एक गांव को घेर लेते हैं और डकैती डालते हैं। उस डकैती में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस भी आती है, घायलों का भी डॉक्टरी कराती है क्योंकि वो पीड़ित हैं, और पुलिस ये देख के कि ये ऐसा हुआ है तो पुलिस के पास क्या होता है कि दो बातें हैं कि एक तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो भी पीड़ित है, तो गांव के लोग पीड़ित हो गए, दे कैन लॉज द FIR एंड एनी अदर पर्सन, और इवन पुलिस मे लॉज द FIR इटसेल्फ, पुलिस खुद भी FIR दर्ज कर सकती है। तो उन डकैती के संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करते ही चूंकि FIR के संबंध में ये है कि केवल FIR कॉग्निजेबल मैटर्स में ही दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल जो मैटर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, कॉग्निजेबल मैटर्स होते हैं बड़े होते हैं। मैंने बताया अभी था कैसे पता करें, तो सीआरपीसी में बाइफरकेशन दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, और इसका फोर्थ कॉलम ये बताता है कि विच ऑफेंस ऑफ IPC इज कॉग्निजेबल और विच इज नॉट कॉग्निजेबल दी हुई है। तो उन्होंने FIR लॉज कर ली। FIR लॉज करने के बाद तो FIR क्या है कि इट इज द सीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक बीज है इन्वेस्टिगेशन का। इफ FIR इज नॉट लॉज्ड तो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ भी नहीं होगा। एक तरीका और है, कभी कभी सीधे ही लोग मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, तो मजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि एविडेंस और इकट्ठे करके लाओ, इकट्ठा करना, एविडेंस को इकट्ठा करने को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें FIR दर्ज नहीं होती है जब मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस बट ही थिंक्स कि कुछ और होना चाहिए, केवल इनके आधार पर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आए हैं उनके आधार पर केस चलाना ठीक नहीं रहेगा, देन ही मे से टू द पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, ठीक है ना। तो वो एक स्थिति है, अदरवाइज क्या समझ में आया कि विदाउट लॉजिंग द FIR नो इन्वेस्टिगेशन सेल इनिशिएट, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ नहीं किया जाएगा। FIR दर्ज कर ली पुलिस ने, डकैती का मामला था, FIR दर्ज करने के बाद पुलिस गांव वालों के पास पहुंचती है और कहती है कि भाई ये बताओ कि आप जानते थे क्या डकैतों को, क्या देखा आपने? बोले सर हम तो नहीं जानते थे। एक महिला कहती है कि जी डकैत का चेहरा ऐसा था वैसा था, तो ठीक है। पुलिस छानबीन करती है, बहुत मेहनत करती है, और पुलिस को नोटोरियस लोगों के बारे में जानकारी होती है और स्केच बनवाती है कि ये लोग ऐसे ऐसे चेहरे लोगों ने बताए हैं, तो लोग पकड़ धकड़ में आ जाते हैं और कई लोग पकड़ने में आते हैं। जब कई लोग पकड़ने में आते हैं तो जो कुछ भी लेकर चले गए थे उनको, अब डकैती में बहुत सारा सामान ले गए थे, जब डकैती में सामान ले गए तो उस सामान को डिस्प्ले किया, हर चीज के 2 से 3 चीज रखी, कोई चेन थी 2-3 चेन, मतलब एक एक्चुअल और 2-3 लगभग उससे मिलती जुलती, ऐसे ही कुछ हार, कुछ अंगूठी, कुछ और सामान इसी तरह। तो लोगों को बुलाया, बताओ भाई आपकी कौन कौन सी चीजें हैं, तो लोगों की जिनकी चीजें थी उन्होंने अपनी चीजें पहचान ली, तो वस्तुओं की पहचान कराई। फिर लोग पकड़े तो लोगों में दिखाया कि देखो ये है, लाइन से खड़ा कर दिया सारे लोगों को कि अब देखो इनमें बताओ कौन कौन सा व्यक्ति है। अंधेरा था तो कुछ लोग सही पकड़ में आए, कुछ लोग गलत पकड़ में। तो
तो पुलिस ने इस कार्रवाई को भी अपनी उस कॉपी में लिख लिया जिसको केस डायरी कहते हैं। जब भी कोई अपराध होता है तो हर मामले के लिए एक केस डायरी बनाई जाती है, दी जाती है उसको, जो भी आईओ नियुक्त किया जाता है। आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेशन अफसर, और इन्वेस्टिगेशन अफसर का मतलब है कि जिसे जिम्मेदारी दी गई है कि वो एविडेंसेस को इकट्ठा करे, एविडेंस इकट्ठा करने वाले की जिम्मेदारी, तो उसे दे दी। और अब उसे जब वो गया गांव में गया, लोगों से जो कुछ भी पूछा उस सबको उसमें लिखता चला गया, लिखता चला गया। लोगों ने कहा आगे बढ़ के, जी हम साइन कर देंगे इस पर। कहने नहीं, साइन करने की जरूरत नहीं, कानून मना करता, साइन नहीं करा सकते, तो उस पर साइन नहीं कराते। फिर जिन लोगों ने ये बताया कि नहीं ऐसी शकल थी वैसी शकल, वो सब चीजें भी उन्होंने लिख ली। फिर जो लोग पकड़े गए तो पुलिस को अधिकार तो है नहीं पीटने का, किसी को पीटने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन पुलिस उनको बाध्य कर सकती है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। कैसे बाध्य करती है? एक एडिशनल एसपी है, वो एक दिन मुझे बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन वो कैसे करते हो। बोले मैं किसी को पीटता पाटता नहीं, मैंने कभी पीटा भी नहीं। तो मैंने कहा फिर लोग आपको एविडेंस कैसे, बदमाश एविडेंस कैसे देते हैं? तो बोले मैं पूछता हूँ उससे, भाई खाना क्या खाओगे, बताओ अपने पसंद का बढ़िया खाना। वो मना करता है, बोले ना नहीं। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं बताओ सही यार, खाना खाने में क्या है। तो वो अपने हिसाब से थोड़ी देर बाद बताने लग जाता है, ये ले आओ। और उसे खूब पेट भर के खाना खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और कहते हैं दो गिलास छाछ भी चल जाए, ये फुल पेट भर चुका है। अब छाछ चलने के बाद उसे नींद तो आएगी, खाना वो ओवरडोज ले चुका है। फिर उसके ऊपर जैसे ही वो सोने लगता है तत्काल थोड़ा पानी मार देते हैं, फिर नहीं सो पाता, फिर पानी मार देते। अब उसको सोने नहीं देते, बोले हम तेरे को सोने देंगे, बता सही सही बता दे कहाँ कहाँ क्या क्या छुपी है। तो वो बता देता, क्योंकि पीटने का राइट नहीं है। पीटेंगे तो आईपीसी में व्यवस्था है, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो आईपीसी की धारा 330 के अंतर्गत सजा का भागी होगा। हाथ पैर तोड़ दिया तो 331 के अंतर्गत सजा का भागी हो जाएगा, तो मारपीट नहीं कर सकते। अब हर अपराध के संबंध में ये है कि 24 घंटे में ही इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लो, और 24 घंटे में ही इन्वेस्टिगेशन करके उसको मजिस्ट्रेट को सौंप दो, 24 घंटे में ही करके। अब 24 घंटे में पूरा होता नहीं है, पकड़ धकड़ की मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे दी कि साहब ये एफआईआर दर्ज है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 24 घंटे में पूरा हुआ नहीं है, पूरा नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ डाकू ऐसे भी हैं जो देश छोड़ के भाग गए, नेपाल भाग गए। अब नेपाल में, चूंकि नेपाल हमारा देश नहीं है, तो नेपाल में इन्वेस्टिगेशन कैसे करने जाए? जा तो सकते हैं आसानी से, कोई भी जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो कैसे जाए? तो फिर मजिस्ट्रेट के पास जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है, या तो वो या इंचार्ज जाएगा और जाके कहेगा सर ऐसा है, हमें सूचना मिली है कि वो काठमांडू के पास किसी गांव में है। तो बोले क्या करें फिर, कि आप कहो तो हम आपको एक एप्लीकेशन दे देते हैं, तो आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दीजिए काठमांडू की कोर्ट को। तो यहां से क्या होगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एम्बेसी में पहुंचाएगी, एम्बेसी से काठमांडू जाएगा, काठमांडू की जो कोर्ट है वो जो देखेगी अच्छा हमारे यहाँ कोई अपराधी छिपे हुए हैं, तो वहां की जो कोर्ट है वैसे ही काम करेगी मानो कि वो उन्होंने यही किया हो। और फिर काठमांडू की कोर्ट उसको आसपास के गांव जहां भी है पकड़ में आ जाते हैं, तो उन्हें फिर बाहर से अपने देश में लाने का प्रयास किया जाता है, लेकर आ गए यहाँ इंडिया में आ गए। तो इंडिया में लाने के बाद क्या होता है कि उन सबको, चूंकि 24 घंटे में पूरा नहीं हुआ, तो जैसे ही वो लेकर आ गए उन सबको क्या करना होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। क्या करना होता है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे उन डाकुओं को, तो मजिस्ट्रेट से कहेंगे कि क्या किया इन्होंने, कि सर ये वो अपराधी हैं जिन्होंने डकैती डाली थी, जिसमें से 6-7 पकड़ में आ गए हैं और बाकी अभी पकड़ में नहीं आए, उनका भी सच चल रहा है। तो मजिस्ट्रेट पूछेगा क्या इनसे कुछ पूछना है क्या,
कि हाँ सर अभी तो इनसे, अभी तो लाए हैं इनसे, अभी तो बहुत सारी चीजें पूछनी है, इनसे बरामदगी भी करनी है, तो ठीक है कितने दिन में कर लोगे? कि सर आप चाहो तो हमें 15 दिन के लिए दे दो। बोले नहीं, 15 दिन के लिए नहीं देंगे, इकट्ठा ही। तो सामान्य तौर पर मजिस्ट्रेट 15 दिन के लिए किसी भी व्यक्ति को देता नहीं। तो जब पुलिस तो 24 घंटे तक ही रख सकती थी किसी को, 24 घंटे के भीतर भीतर उसे मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, रास्ते का टाइम आने जाने वाला उसमें काउंट होता नहीं है, 24 घंटे के भीतर भीतर पेश करना था, पेश कर दिया। अब मजिस्ट्रेट ने कहा कि जब इनसे कलेक्ट ही नहीं हुए एविडेंस तो लेके चले जाओ, तो उनको बाद में दोबारा दे दिया। कितने दिन के लिए? उन्होंने कहा चलो 5 दिन बाद ले आना इनको। तो 5 दिन के लिए पुलिस के पास ही भेज देना, रिमांड मतलब वापस करना, जो लाया है उसी को वापस करने को बोलते हैं रिमांड। रिमांड का मतलब ये नहीं पीटना पाटना, लोगों के दिमाग में आता है रिमांड ले ली इसकी आज मैंने, कहते हैं ना लोग कि आज मैंने इसकी रिमांड ले ली, तो वो क्या सोचता है मैंने पीट दिया इसको, नहीं पीटने का नहीं है रिमांड का मतलब, रिमांड का मतलब है वापस। तो उसे पुलिस लेकर आई थी, पुलिस को भी वापस दे दिया। कितने दिन के लिए दिया? 5 दिन के। 5 दिन बाद उसे उसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना है। इन 5 दिनों के भीतर भीतर, इन 5 दिनों के भीतर भीतर उन्हें और एविडेंसेस इकट्ठे करने, 5 दिन बाद फिर लेकर आए। अब वो मजिस्ट्रेट जिसके पास लेकर आए वो छुट्टी पर चला गया, अब वो था ही नहीं। अब वो ऐसे तो सोचेगा नहीं कि अच्छा भाई 5 दिन बाद वो आएंगे तब मैं छुट्टी लूंगा, छुट्टी तो अपने हिसाब से लेते हैं, सिस्टम काम करता है। तो दूसरा मजिस्ट्रेट के पास, दूसरा भी नहीं था, लिंक मजिस्ट्रेट जो होता है, लिंक कर देते हैं, आज को इस कोर्ट में कोई छुट्टी पे है तो इस कोर्ट का अधिकारी काम करेगा, उसी की कोर्ट को दूसरी कोर्ट को दे देते हैं काम को। तो लिंक मजिस्ट्रेट भी नहीं मिला, दूसरा भी नहीं मिला। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो SDM ADM DM होते हैं वो मिला कि सर मैं पहले तो वहां दिखा दिया था इनको और अब 5 दिन पूरे हो गए, आज पेश करना आपके सामने ले आए। बोले ठीक है लाओ, क्या करना है? कि सर अभी तो 5 दिन और चाहिए था। बोले 5 दिन, 5 तो तुम ले चुके और मैं आपको 5 टोटली रिमांड जो होती है पुलिस को, किसी व्यक्ति को एक केस में केवल 15 दिन के लिए दिया जा सकता है। अब चूंकि मैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूं और मेरे मेरे पास पावर सिर्फ 7 दिन की है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर 15 दिन की होती है, तो बोले ठीक है मैं तुम्हें 2 दिन के लिए और दे देता हूँ, फिर देखते हैं जब तक वो दूसरे जज साहब आ जाए उनके सामने पेश कर। फिर 2 दिन के लिए रिमांड ले ली, फिर उनसे और कुछ पूछताछ की, पूछताछ करके सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए, उनकी डॉक्टरी कराई, सारा कुछ कराया। बोले तुम जेल में रहोगे बहुत दिन तक? बोले सर जेल में रह लेंगे, पर अब मैं तो स्वीकार करूंगा, बाकी कोई स्वीकार करे या ना करे। तो वो अपनी बात को स्वीकार कर लेता है मजिस्ट्रेट से। अब कराने के बाद उस मजिस्ट्रेट के पास फिर वो मजिस्ट्रेट आ गया जिसके रिमांड ली थी, 2 दिन के लिए छुट्टी पर गया था। फिर उसको मजिस्ट्रेट से कहता है जी मैं स्वीकार कर रहा हूं। फिर उससे बोले कि सर अभी 2 दिन और चाहिए। तो चूंकि एक केस में 15 दिन तक इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कोई आदमी दिया जा सकता है, मजिस्ट्रेट ने उसे लिखित में चेतावनी भी दे दी, मत स्वीकार कर ये तेरे विरुद्ध माना जाएगा। बोले अब जो होगा वो देखा जाएगा, मैं सजा भुगत लूंगा, और दे दिया। सारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया। तो ये जो बयान है वो 164 के बयान कहलाते हैं। किसके? और जो बयान पुलिस ने लिए वो 161 के बयान कहलाते हैं। सारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया जो उनसे संबंधित था। अब मजिस्ट्रेट ने कहा आगे नहीं देंगे, चलो जेल भेजते हैं। तो दो तरह की कस्टडी होती है अभी तक जो, अब जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, पुलिस लेके गई थी उसे पुलिस कस्टडी बोल, जैसे ही फिर जेल में भेज देंगे, जेल का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी, न्याय का रक्षा होती है। तो जो थाना है, थाने का एक इंचार्ज है, इंचार्ज के ऊपर भी उसका सुपीरियर ऑफिसर है। तो उस सुपीरियर ऑफिसर के पास लेके जाते हैं कि जी हमने इन्वेस्टिगेशन तो पूरा कर चुके, ये लोग इसमें फंस रहे हैं और ये हमारा इन्वेस्टिगेशन है। बोले ठीक है इन्वेस्टिगेशन आपका ये है। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है कि जो जेल है वो न्यायालय की है, न्यायालय की अवरक्षा में है, पुलिस तो लगती है पर वो जेल वाली पुलिस अलग है, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी नहीं है, वो न्यायालय की कस्टडी है, इसीलिए बोलते हैं JC। इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? JC, जुडिशियल कस्टडी। तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एक डाकू है, उसके घर वाले आए थे कि साहब हमारे हमारे हस्बैंड को भी पकड़ लिया है पुलिस ने, कि हाँ सर उसे भी हमने अरेस्ट कर रखा है।
कि वही ऐसा है, वो उसकी पत्नी कह रही है कि उसकी सिर्फ वो डकैतों से जान पहचान है, वो तो गया ही नहीं था, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया मजिस्ट्रेट ने। जैसे अब क्या होता है, हर 15 दिन में एक बार फिर दोबारा से लाना होता है, चाहे जेल में रहो, क्योंकि मैक्सिमम 15 दिन तक ही कैसे, चलो इनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन और करो। मजिस्ट्रेट के सामने हर आदमी को जो अपराधी है उसको 15 दिन में एक बार पेश करना जरूरी है, इसीलिए 15 15 दिन की तारीखें पड़ती हैं, 15 दिन के भीतर की तारीख पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पाया कि ये सही बात है कि वो तो गया ही नहीं था। तो अब चूंकि पुलिस से आदमी किस में भेज दिया, डकैतों को कहां भेज दिया, जेसी में भेज दिया। तो जेसी में जो जेल की कस्टडी है और डाकुओं के साथ नहीं था, लेकिन चूंकि उसी गांव का था, परिचित था, इकट्ठे सारे डाकुओं को पकड़ा तो उसे भी पकड़ के ले गए। तो यह सूचना फिर मजिस्ट्रेट को देनी होगी, किसको देनी होगी, मजिस्ट्रेट को देनी होगी। अब मजिस्ट्रेट देखेगा कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, जो जुडिशियल कस्टडी है उस जेल से भी उन्हें 15 दिन में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो अब पुलिस वाले न लाकर जेल वाले लेकर आएंगे 15वें दिन, उन्हें कहा सर हम इसे छोड़ना चाह रहे हैं, आप बताओ। अब मजिस्ट्रेट ही छोड़ेगा, छोड़ने को तो जो भी डेट होगी नेक्स्ट डेट दे देते हैं, तो हर डेट पर वो लेकर उन्हें वहां आते हैं। अब वो कंटिन्यूअस तब तक आते जाते रहेंगे जब तक कि उनकी जमानत ना हो जाए। अब डकैतों के भी परिवार होते ही हैं, बोले एविडेंस भी डायरेक्ट इसके खिलाफ नहीं है और ये आया भी नहीं था, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो छोड़ दे, लेकिन मजिस्ट्रेट कहता नहीं, तुम्हारे जगह पे तुम्हारा बड़ा अधिकारी करके आएगा आपकी इन्वेस्टिगेशन। अब बड़ा अधिकारी भी जाके इन्वेस्टिगेशन करके आता है, वो कहता जी बिल्कुल सही है, ये इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये तो पकड़ में आ गया। वो भी चाहते हैं, चाहे गलत काम करके लोग इकट्ठा करके ला रहे हैं धन, लेकिन उनके परिवार वाले भी चाहते हैं, छुड़ाते हैं। तो वकील जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाता है, जमानत खारिज हो जाती है, मजिस्ट्रेट कैंसिल कर देता है जमानत, अनाज में घुन पिस गया है। कहते हैं ना कि अनाज के साथ घुन भी पिस जाता है, तो ये चक्कर में आ गया है, इसकी गलती सिर्फ इतनी है कि बदमाशों से संबंध रखता है। ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब टाइम हो जाता है करीब करीब 80 85 दिन का। 80 85 दिन बाद भगवान बुद्ध कहते हैं अपने प्रवचनों में, 80 85 दिन बाद के समझदार की ही संगत करो, डकैत का जो वकील है, डकैतों का जो वकील है वही मंगल कार्य है, ना समझ की संगत मत करो। बोले थोड़ा सा इंतजार करते हैं, 90वां दिन हो जाएगा उसी दिन एप्लीकेशन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 90वें दिन में ये व्यवस्था है कि यदि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा किया है, इन्वेस्टिगेशन जिस दिन पूरा कर लेती है पुलिस, उस दिन इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट को बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, अर्थात जिस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश करनी होती है। कम समझदार व्यक्ति से दोस्ती मत करो, वो अमंगल है, तुम ना समझ के साथ रहोगे तो समझ लो कि तुम कम बुद्धिमान हो जाएंगे, आप उसी लेवल पर पहुंच जाएंगे, उसी लेवल पर खींच लेगा। ज्यादा समझदार के साथ रहोगे तो समझदार आपको ऊपर खींच लेगा, अच्छे लोगों की संगति करो। तो डकैत ने दूसरे आदमी ने उन डकैतों की संगत की, इसके चक्कर में वो आ गया, आगे से उसने कान पकड़ा, तो यदि पेश कर दी, बोले आइंदा इन डकैतों से दोस्ती खत्म, तब तो राइट है नहीं, और नहीं पेश की और उसको मजिस्ट्रेट के आदेश पर छोड़ दिया गया तो इन्हें जमानत मिल जाएगी, जो बड़े केस हैं। ठीक है, यहां तक का ये सीआरपीसी का पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं, और आज 6वां लेक्चर है सीआरपीसी के। हमने हमारे सुविधा के अनुसार दो पार्ट कर रखे हैं, खास तौर से जिनमें मृत्युदंड की सजा है, जिनमें आजीवन कारावास की सजा है, जिनमें 10 साल तक के कारावास की सजा है। पार्ट 1 उन्हें 90 दिन 153 तक है, और पार्ट 2 154 से शुरू होता है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, मैं सेकंड पार्ट जो पढ़ाया तक भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान पेश नहीं किया है तो एक राइट मिलता है जमानत का, और यदि चालान पेश कर दिया जाए तो 90 के
जब तक केस चले तब तक वो जेल में रह सकते हैं, जमानत नाम भी मिले उससे, यदि उन्होंने ज्वाइन किया है तो ये मान लो कि उन्होंने नया सब्जेक्ट तैयार किया है। और जो छोटे केस होते हैं उनमें ये काम 60 दिन का है। देखो इन्वेस्टिगेशन के संबंध में 60 दिन में जमानत मिल जाती है या चालान पेश नहीं, पुलिस को ये पावर है कि वो पूरे देश में कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। तो जब भी पुलिस अपने जिले से दूसरे जिले में जाती है, 90वां दिन आया तत्काल अपने जिले से दूसरे जिले में डकैतों के वकील पहुंच गए, साहब 90 दिन हो गए चालान नहीं आया, बोले देख लेते हैं शाम तक 4 बजे तक देख लेते, जाती है तो दो बातें हैं। मान लो जयपुर में अपराध किया और व्यक्ति हरियाणा भाग गया, जयपुर की पुलिस है। अब कोर्ट में क्या होता है कि पुलिस और हरियाणा के मान लो हिसार चला गया, का कोर्ट का रोज का संबंध बना रहता है, तो और हिसार में छुपा हुआ है, अब सूचना मिलती है कि हिसार में फला मकान में छुपा हुआ है, कोर्ट का बाबू इंचार्ज को फोन करेगा, भाई ये आज 90वां दिन हो गया, इसका चालान ला रहे हो कि नहीं ला रहे? बोले सर अभी तो तैयारी नहीं हुआ। तो बोले कोई बात नहीं, तैयार नहीं हुआ तो हम जमानत पर छोड़ देते हैं, उनको जमानत मिल जाती। अब पुलिस अपने हिसाब से जब भी चालान लाए तब चालान पेश कर सकती है, चालान की कोई डेट फिक्स नहीं है कितने दिन में चालान पेश करना। तो सीआरपीसी में ये व्यवस्था है, कल ही मैंने पढ़ाया था कि वो हिसार के इंचार्ज को इन्फॉर्म करेगा कि फलां जगह है इनको अरेस्ट कर लो, तो वहां का इंचार्ज है उसको अरेस्ट करेगा। लेकिन वो तो इतना बड़ा है, नेता है, गुंडा भी है, बहुत सारे गुंडे नेता बन गए, इसलिए सफेद पोश अपराधी बोलते हैं उनको। अब जब जमीनों पर कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, इस तरह के लोग नेता भी बन गए सफेद कपड़े पहन के, फिर चालान लेकर आती, चालान मतलब 173-2 की रिपोर्ट। 173-2 क्या है कि जो केस डायरी मिली थी आईओ को जिसमें उसे सब कुछ इकट्ठा करना था, तो ऐसा गुंडा है, गुंडा भी है, गुंडा गुंडा ही बाहर करता है, अपने एरिया में नेता रहता है वो सारे के सारे। तो पुलिस ने ये सूचना ली कि भाई वो तो गुंडागर्दी करने वाला आदमी है, एविडेंसेस उसमें होते हैं। जैसे उनमें से एक पकड़ में आया तो उन्होंने कहा जी देखो ऐसा मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है, गुंडागर्दी बाहर करता है लेकिन अपने जिले में वो बहुत जाना माना व्यक्ति रहता है, ये हमारे साथ वाले बहुत बदमाश है, मैंने मना किया था डकैती डालने नहीं चलेंगे लेकिन मेरे को तो ले आए, मैं तो अपना जुर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, और पुलिस उसको सूचना दे देगी। तो यहां की पुलिस क्या करेगी, हिसार सीधे चली जाएगी और हिसार जाकर सीधे ही कार्रवाई करेगी, सीधे ही सर्च करेगी और वहां के इंचार्ज को सिर्फ सूचना दे देगी कि हम ये काम कर रहे हैं यहां, और अपनी पुलिस भी हमारे सहयोग के लिए भेज। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जुर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हो ना, चलो मजिस्ट्रेट साहब के पास। तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, पूछा उसको कि भाई तुम जुर्म क्यों स्वीकार कर रहे हो? कि सर मेरे को तो क्या बहुत घृणा हो रही है, उसे रोक नहीं सकते। बरामदगी हुई तो एक लिस्ट, जो कुछ भी उसके यहां से बरामद हुआ एक लिस्ट उसको घर वाले को दे देगी कि ये हम बरामद करके ले जा रहे हैं, एक वहां के SHO को भी दे देगी, भाई ये हम आपको सूचना बतौर दे रहे हैं और बाकी लेके अपने मजिस्ट्रेट के यहाँ आ जाएगी। और चूंकि हिसार दूर है यहाँ से, तो यदि पुलिस को लगता है कि हम ले जाके अभी पेश कर देंगे अपने मजिस्ट्रेट के पास, तो यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकती, और उन्हें लगता है कि वहीं के मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देते हैं तो वहां के मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देती है, और वो कहेगी कि देखो सर ये अपराधी है, जयपुर में मुकदमा दर्ज है, और जयपुर में इन्हें पेश करना है। तो जो मजिस्ट्रेट वहां है वो मजिस्ट्रेट यहां प्रोड्यूस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए उन्हें इतने टाइम के लिए एक प्रोटेक्शन वारंट पर उनको भेज देगा कि जाओ ले जाके वहां पेश कर दो। तो उनके पास यहां वहां से लाकर यहां तक लाने का ही अधिकार है, फिर यहां पेश करना है और फिर उसे कंटिन्यू कर देगा, फिर यहां का मजिस्ट्रेट उन्हें रिमांड दे, जेल भेजे, ये उसके ऊपर है। यहां तक की CRPC मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इसी के संदर्भ में आज हम सेक्शन 167 पढ़ने वाले हैं। ये तो मैंने आपको एक
छोटी सी कहानी के माध्यम से, डकैतों की कहानी के माध्यम से इसको पूरा करने की कोशिश की। अब इनका ये कहना है, एक क्वेश्चन इनका अभी भी रह गया कि हिसार में तो पकड़ा, ले जाकर पीटा भी। हाँ, कोई भी पीटे, चाहे कांस्टेबल पीटे चाहे डीजीपी पीटे, एक ही बात है। तो उन्होंने उन्हें पीटा भी। इनका कहना है कि डीवाईएसपी ने और एसपी ने पीटा। जब एसपी और डीएसपी यहां के जयपुर के थे, हाँ कोई बात नहीं, अलवर के डीवाईएसपी और एसपी ने वहां अलवर हरियाणा से लाए पकड़ के और पीटा। पीटने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया होगा, कितने दिन तक। कभी कभी पुलिस भी गुंडई करती है। नियम यह है कि 24 घंटे के भीतर भीतर पेश करना है। मान लो कोई आदमी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और लगता है कि 24 घंटे में पेश नहीं करेंगे और पीटेंगे, तो इलीगल डिटेंशन रख कहीं पर भी सकते हैं। इलीगली डिटेन करने में आप जहां मामला दर्ज है वहां के मजिस्ट्रेट को ये सूचना दे दो कि साहब ऐसे ऐसे इलीगली डिटेन किया हुआ है, तो मजिस्ट्रेट तत्काल उसे पूछेगा इंचार्ज को कि फला व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया। अब वो मान लो ये कहते हैं कि जी हमने नहीं किया, हमने तो किया ही नहीं अरेस्ट, लेकिन अरेस्ट कर रखा है। देखो सीआरपीसी में ये व्यवस्था है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो थाने में भी ये लिखना होगा कि इस व्यक्ति को आज अरेस्ट किया गया। एसपी के यहां पर भी लिखना होगा कि आज इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिला मुख्यालय पर। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर पर भी डिस्प्ले करना होगा कि आज इस राज्य में इन इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देनी होगी। तो यदि गिरफ्तार किया होगा तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार दिखाया ही नहीं होगा उसको। तो जब ये जो बात है ना कि मजिस्ट्रेट ने छुट्टी ले ली, अरे मजिस्ट्रेट कभी छुट्टी पे होते नहीं है। मजिस्ट्रेट का मतलब समझते हैं, मजिस्ट्रेट का मतलब कोई आदमी नहीं है, मजिस्ट्रेट कुर्सी का नाम है एक तरह से। वो कुर्सी खाली नहीं रहती है, उस कुर्सी को, जैसे आज मान लो ये वाली कोर्ट है, इसमें मजिस्ट्रेट छुट्टी पे चला गया है, इसका आज का चार्ज किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ पर होगा। और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, कितने घंटे की, 24 घंटे की। अभी 24 घंटे हो रहे हैं तो मजिस्ट्रेट के घर पे पेश किया जा सकता है, रात को कह के, रात को 2 बजे भी। तो मजिस्ट्रेट कोई छुट्टी पे नहीं होता, आदमी छुट्टी पे होता है, मजिस्ट्रेट ऐसे छुट्टी पे नहीं होता। रात में भी मजिस्ट्रेट बैठा हुआ होता है, हमें लगता है कि सो रहे हैं आराम से, 24 घंटे मजिस्ट्रेट है, घर पे पेश कर सकते हैं, रात को 2 बजे भी ला सकते हैं, मना नहीं कर सकता, सब 24 घंटे हो रहे हैं इसके। ठीक। दूसरा, जब भी कोई कोर्ट में होते हैं तो मजिस्ट्रेट छुट्टियां नहीं लेते, उसकी लिंक कोर्ट होती है, जो काम हाई कोर्ट करता है, और नीचे के लेवल में मजिस्ट्रेट्स के संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज लगाता है कि आज ये लिंक कोर्ट ये रहेंगी। कोई भी छुट्टी पे जाएगा तो पहले कनेक्ट होती है कोर्ट कि आज इसका काम ये वाली कोर्ट करेगी, उसके सारे मामले तो उस कोर्ट में लगेंगे, कभी छुट्टी होती नहीं। हाँ, वकील कह सकता है छुट्टी पे है, मैं क्या करूं, क्योंकि आप वकील हो और आपको ये सीआरपीसी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको नहीं आती है, तो आप कहेंगे छुट्टी पे हम क्या करें, क्योंकि आपको जानकारी नहीं। लेकिन जिस वकील को जानकारी है वो तो सब जानता है ना, छुट्टी नहीं होती ऐसी, न संडे होता है, न त्योहार होता है, होली दिवाली, होली पर औरंगा हो रहा होता है ना, उस दिन भी मजिस्ट्रेट एक कोर्ट होती है, ना हाई कोर्ट छुट्टी पर होता है, ध्यान रखिएगा। जिस दिन छुट्टी होती है एक हाई कोर्ट जज इन कामों के लिए, छुट्टियों में भी ये सब काम होते हैं, छुट्टियां ऐसे नहीं होती, छुट्टी वाले दिन के लिए व्यवस्था है। आपको लगता है कि छुट्टियां पे चले गए अब क्या होगा, कल तो संडे है अब क्या होगा, अरे संडे है, संडे में पेश करेंगे, रात को पकड़ाया इतने बजे पकड़ाया, कल 24 घंटे इतने बजे होंगे, फिक्स 24 घंटे नहीं, 24 घंटे से पहले कर दो, लेकिन देरी हो रही तो फिर क्या, घर पे ले जाना पड़ेगा, और जिले में एक मजिस्ट्रेट नहीं होता, ये मजिस्ट्रेट नहीं वो मजिस्ट्रेट,
सारे जुडिशल मजिस्ट्रेट छुट्टी पे भी चले गए तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, एडीएम है, डीएम है, सब छुट्टी पे, थोड़ी सिस्टम कॉलेप्स हो जाएगा, सारे छुट्टी पे चले जाएंगे, कोई छुट्टी पे नहीं जाना। ठीक है, तो जो आपके वकील रहे होंगे उन्हें पैर भी नहीं करना आता होगा, इसलिए उन्होंने कह दी छुट्टी पे, हम क्या करें। वकील तो तुम्हें पहले ही करना होगा, क्योंकि आमजन को पता नहीं होता, आमजन को पता नहीं होता, वो पहले खुद ही वकील बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वकील तो तत्काल करना चाहिए, जैसे कोई अपराध होता है और हमें वकील की हेल्प की जरूरत है तो तत्काल करना चाहिए। आप डरोगे कोर्ट में, वहां थाने में जाने में, वकील नहीं डरेगा, वकील से उतने ही अदब से वो बोलेंगे। वकील ये भी जानता है कि सीआरपीसी में हमारे क्या क्या अधिकार लिखे हुए हैं, तो क्या हो गया, अपने अधिकारों के बारे में वो जानता है। वकील डिग्री से नहीं होता, आप लोग भी बहुत सारे लोग डिग्री यहां ले लेके आ गए हैं, आप बन गए क्या वकील, मेरी नजर में नहीं है। इन एक्ट्स में आप पारंगत हो जाइए, जब तक आप पारंगत नहीं है, आप सोच लेते हैं कि लॉ कॉलेज में हमने पढ़ाई की, लॉ यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद हमें अच्छी सी डिग्री मिल गई, परसेंटेज भी बहुत हाई मिल गई। दो चीजें हैं, एक थ्योरी को पढ़ा और थ्योरी को यूज किया। थ्योरी को पढ़ के थोड़ा थोड़ा यूज करना भी आना चाहिए, तो बिल्कुल ही यूज करना नहीं आता है तो आप कैसे करोगे, क्यों होगा। डीवाईएसपी ने कोई काम खराब किया होगा तभी तो सस्पेंड होगा, सस्पेंड क्यों होगा, उसका काम है बुरी तरह से मारा है तो उसका कोई एविडेंस आए, मेडिकल कराया जाए। हाँ, तो मेडिकल जांच में ये भी तो हो सकता है भाई, पुलिस कहेगी कि ये भाग रहा था, हम पकड़ रहे थे, गिर गया। देखो ऐसा है, चोट पे चोट किसकी है, पुलिस से पिटा हुआ व्यक्ति आसानी से साबित नहीं होता, नहीं। मान लो पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद आदमी मान लो वकील है, उन्होंने कहा अरेस्ट करते ही उसको ये अधिकार है, वो कह सकता है पुलिस को कि जी पहले मेरे मेडिकल करा लो, तो मेडिकल कराया, स्वस्थ है, अब दूसरे दिन उंगली टूटी हुई है, बोले ये उंगली टूटी कैसे, अब रक्षा में कुछ नहीं टूटना चाहिए, अब रक्षा में आपका काम है उसकी सेफ्टी करना, और वो कहता है जी मेरे को पीटा, मजिस्ट्रेट को कहा मेरे को पीटा, मजिस्ट्रेट कह देगा कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ 330 में मुकदमा दर्ज करो, ऐसे होगा मुकदमा दर्ज। अब पुलिस ने पीटा, इसका कोई सबूत पुलिस ने पीटा, हाँ आप कोई वीडियोग्राफी कर लें, मान लो चौरे में पिटाई कर रहे हैं जबरदस्ती, आपने कोई वीडियो बना लिया है इलेक्ट्रो, तो वो नहीं है ना, तो कैसे साबित करोगे उन्होंने पीटा। अब चोट के निशान है, वो कहेंगे कि जब पहली बार पेश किया कि इसके ये चोट हैं, जैसे वो कहेंगे हमने अभी पकड़ा है अभी पेश कर रहे हैं, सारी चोट पहले ही आ रही है ना, तो चोट चोट लगे हुए आदमी को हमने पकड़ा, और दूसरे दिन कहेंगे साहब हमने तो पीटा नहीं, जैसी चोट कल थी आज भी उतनी ही। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, पुलिस की कोई दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं है, और बुरे आदमी से, बुरे आदमी के वो दुश्मन भी है नहीं, पुलिस वाले लेके आएंगे, पुलिस वाले लेके आते हैं। तो इसलिए वो घटना है साउथ ईस्ट की, रिसेंट की है, वहां पे चीफ जस्टिस संदीप मेहता साहब हैं, यहीं के राजस्थान के ही हैं, और उनके सामने वो केस लगा और वो बहुत गुस्सा हुए और यहाँ तक कह दिया पूरे थाने को सस्पेंड करो। नहीं, उन्होंने कोई लिखित ऑर्डर भी नहीं दिया था सस्पेंड, गुस्से में उन्होंने कह दिया थाने को सस्पेंड करो, और थाने को सस्पेंड कर सकते थे, हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो सस्पेंड होता थाना पूरा सस्पेंड, थाना सस्पेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, हाईकोर्ट के आदेश पर कोई भी सस्पेंड, डीजीपी सस्पेंड किया जा सकता है, वो तो छोटा है, कोई भी, हाँ ये एसपी ही थी, एसपी ने किया था वो, लेकिन जो बड़ा काम था कि आप 2.5 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को आप कस्टडी में कैसे रख सकते हैं, इसलिए वो गुस्से में था कि एडवोकेट को कैसे पीटा। ठीक है ना, अब ये कहती है नामी एडवोकेट है, नामी एडवोकेट होता तो बार उसके साथ होती, हाँ तो वो वकील नहीं है, वकील के बेस में कोई और ही है। आप
वकीलों के, जब आप कानून कानून सीख जाते हैं तो क्या कानून सीख के आप कानून का उल्लंघन करेंगे? कानून का उल्लंघन करने की परमिशन थोड़ी देता कानून सीखना। चलो उसके तथ्य मुझे पता नहीं है, उसलिए, और चूंकि मैं पैरवी भी नहीं कर रहा हूं उसकी, तो उसके मुझे पता नहीं है। और सच में ऐसा हो तो हाईकोर्ट बुरी तरह एक्शन लेता। एक वकील यहां भी पकड़ा, उसकी भी मारपीट हुई, और लेकिन वो कैसा, हाईकोर्ट के ही ऑर्डरली को कुछ पैसे देके उसके वीडियो बना लिया। तो उद्दंड, मैं आपको बताऊं, उद्दंड वकीलों के साथ तो फिर कुछ भी हो रहा है, लेकिन उद्दंडता नहीं है ना, तो वकीलों से पुलिस ऐसे पंगा नहीं लेती है, मैं आपको जनरली बताऊं। तो वकीलों को कोई एडिशनल वो नहीं है, एडिशनल देखिए वकील क्या है, वकील सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस और विभिन्न प्रकार के कानूनों की नॉलेज रखता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ही है। क्या है? सामान्य व्यक्ति है, पुलिस से ज्यादा कानून जानता है, इसलिए पुलिस घबराती है, पता नहीं कुछ गड़बड़ करूंगा तो कौन से कानून में फंसा देगा। फंसाना आता है उसको, अपने अधिकार के लिए लड़ना आता है। लेकिन अभी जैसे गहलोत सरकार ने वकीलों को प्रोटेक्शन दे दिया, एक प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया है, ये इस एक्ट से पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं था। अब तो 3 साल की सजा है, कुछ मामलों में 7 साल की सजा है। वकील के साथ बदमाशी नहीं कर सकते, अब पुलिस भी करे तो पुलिस भी तो फंस जाएगी ना। लेकिन पहले उसने कोई अपराध किया होगा, अपराधी बना होगा, जैसे इन्होंने कहा बैरियर तोड़ दिया, पुलिस के साथ हाथापाई की, वही है। तो डीवाईएसपी की उनकी कोई दुश्मनी रही होगी। जहां कानून का राज है वहां डीवाईएसपी कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं, आप कहां छोटा अधिकारी है, डीवाईएसपी चलती क्या, एसपी भी छोटा अधिकारी है। हाँ है? वो फिर पॉलिटिकल मामले होंगे, कुछ ना कुछ और कारण होगा, मुझे जानकारी नहीं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोल सकता। इतने क्या है, मैं तो अपने सीआरपीसी में ही रहूंगा, वो फिर पॉलिटिकल टसल्स होती हैं उनके बारे में। और कानून का दुरुपयोग करने वाले, कानून का दुरुपयोग करने वाले, जैसे अभी कोई एमएलए साथ है, एक बार एमएलए के पास पावर है फिर किसी दूसरे के पास पावर होगी, बहुत सारे लोग जेल में पड़े होते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े यहां तक चीफ मिनिस्टर तक भी जेल में रहे हैं, तो घूम के चक्कर उनके पास आ जाता है। और ये क्या बहुत ध्यान देने योग्य बात है, वैशाली पहले एक जनपद होता था बहुत पुराना, वैशाली में कभी महात्मा बुद्ध रुके, और रुके तो उन पे वहां का राजा रोजाना उनके दर्शन करने प्रवचन सुनने जाया करता था, 5-7 दिन तक गया नहीं, क्योंकि वहां के नगर सेठ की मृत्यु हो गई थी। जब नगर सेठ की मृत्यु हो गई तो 7 दिन तक राजा गाड़ियों में भरवा भरवा के उसके धन को राजकोष में जमा कराता रहा और उसमें बहुत व्यस्त रहा, भगवान बुद्ध के पास गया ही नहीं प्रवचन सुनने। एक दिन दोपहर में उसे याद आई, 7 दिन हो गए मैं तो गया ही नहीं, अभी बुद्ध यहीं रुके हुए हैं। वो दौड़ा दौड़ा दोपहर में जाता है तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि कारण क्या था, क्यों लेट हो गए? बोले कुछ नहीं, ऐसे नगर सेठ की मृत्यु हो गई है और उसका कोई न बेटा है न उसकी बेटी है न कोई पत्नी है, परिवार में कोई भी नहीं है, और सारा का सारा उसका जो धन है वो राजगामित हो गया है, एससीट हो गया है, राजा के पास पहुंच गया है, उसी कार्य में लगा हुआ था। तो वो पूछते हैं कि भगवान एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा नगर सेठ था, इतना पैसा था इसके पास, इसका कोई बच्चा नहीं, और इस पे इतना धनवान कैसे हो गया, इस पे तो राज्य से भी ज्यादा धन था, लेकिन हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहता, हमेशा टूटे फटे रथों पर चलता, लेकिन इकट्ठा करता चला गया। भगवान ने आंखें बंद की और उसके जन्मों को जानने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद बोले
किसी सेठ पुराने जन्म में भी था। एक बार इसने, एक बुद्ध पुरुष थे, उन्हें कुछ दान दिया था, लेकिन दान देने के बाद बहुत दुखी हुआ और उसी समय इसने पैसे के लिए अपने भाई के बेटे को, जंगल, छोटा सा बच्चा था, उसे जंगल में ले गया, जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। ये उसका दूसरा जन्म। उस जन्म में इसने, चूंकि बुद्ध को दान दिया था, तो इस पर पैसा तो बहुत आ गया, धन अनाप शनाप आ गया, लेकिन ये पछताया था, इसलिए ये उस धन का कभी उपभोग नहीं कर पाया। इसे पछतावा बहुत हुआ, ये कभी उपभोग नहीं कर पाया। फटे पुराने कपड़े पहनता, फटे पुराने उन पर चलता और कंजूस बना। और चूंकि पिछले जन्म में इसने अपने भाई के लड़के को जंगल में ले जाकर धन के लिए मार दिया था, इसलिए इसके कोई पुत्र नहीं। इस जन्म में ये फला जगह पर जन्म हो गया है इसका, और इस जन्म में इसने कोई पुण्य नहीं किया, अब ये नर्क भोगेगा। बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आपके आगे पीछे आ ही जाता है। तो कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो हमारे पुराने होते हैं, कुछ इस जीवन के भी होते हैं, तो वो हमारे आगे आ ही जाते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। तो कुछ न कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो अब आपके जानकारी का केस होगा, मेरी जानकारी का नहीं है।